हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल के एक और वीडियो में। और आज है इतवार 14 जनवरी और त्यौहार का दिन है, यहाँ बाजार लगा हुआ। तो सोचा कि मैं आपको यहाँ का एक टूर करा दूँ। महाराजपुर एक शहर है जो छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है और हमारे बुंदेलखंड का हिस्सा है। तो सोचा कि मैं आपको यहाँ के जो बुंदेलखंड का बाजार होता है वो दिखा दूँ किस तरह का होता है। तो चलो आपको मैं वहाँ का थोड़ा टूर करा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे यहाँ बोलते हैं गुल्ला, तो ये सब की दुकान लगी हुई है और लड्डू की दुकानें हैं। तो जैसे हम यहाँ ये एंट्रेंस है अंदर आते हैं, तो अभी क्या है कि संक्रांति का समय है, अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ है। तो चलो थोड़ा आपको यहाँ का देखो, ये सब दिख रहे हैं हमारे जो उन्हें बोलते हैं गुल्ला, और त्यौहार पर हम एक दूसरे को देते हैं। तो ठीक है, थोड़ा आपको पूरा यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ क्या कैसे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने दुकान है, कपड़ों की दुकान लगी हुई है। ये पूरा हिस्सा है जो कपड़ों का हिस्सा है, यहाँ पर कपड़ों की दुकान लगी हुई है। और इस तरफ बाकी है मनिहारी का जो सामान है, पहले मैं इधर आपको दिखा देता हूँ मनिहारी का सामान है। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर कॉस्मेटिक का सामान लगा हुआ है अलग अलग। यहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं, काफ़ी ज़्यादा दुकान लगी हुई है। और ये जो है कपड़ों की दुकान है यहाँ पर। तो चलो थोड़ा मैं आपको पहले अलग लाइन दिखा दूँ जहाँ पर कपड़ों की दुकान लगी हुई है। एक तरफ यहाँ पर है कॉस्मेटिक की दुकान, साथ में आपको हर तरह का सामान मिल जाता है, और ये कपड़ों की दुकानें हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, संक्रांति का त्यौहार, जैसा कि हमारे यहाँ बोलते हैं बुंदेलखंड में बुड़की का त्यौहार, तो इस बार बुड़की और ये संक्रांति वो है आई है 15 जनवरी को। तो आज है 14 जनवरी, तो बाकी लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये सामने कपड़ों की दुकान लगे हुए, पूरा जो ये स्टॉल है पूरा कपड़ों का है, काफ़ी लंबी ज़्यादा मार्केट है इधर, पूरे कपड़े हैं। तो अगर मैं आगे जाता तो पूरे पीछे पूरा कपड़ों का जो स्टॉल लगा हुआ है। तो अब हम आगे चल के आपको दिखाते हैं, यहाँ पर साथ में सब्जियों की दुकान है। यहाँ पर देखो ये गुड़ की ढेली बिक रही है बड़ी बड़ी, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुड़ बिक रहा है। और यहाँ पर भी देखो गुड़ की ढेली है, एक ढेली 5 किलो के करीब होती है। तो मुझे ठीक से जानने की एक ढेली 5 किलो की होती है या 2.5 किलो की होती है, जितनी होती है मुझे नहीं पता, मैंने अपने अनुमान से बोला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गुड़ है काफ़ी ज़्यादा। चलो अब थोड़ा और आगे चल के बात करते हैं। आप लोगों ने सिंघाड़े खाए होंगे, सिंघाड़े क्या ना, हमारे यहाँ पर सिंघाड़े को सुखा करके उसका आटा बनाया जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सिंघाड़े जो कौड़ी बोलते हैं, साथ में यहाँ पर इसका आटा है। सिंघाड़े का आटा काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है। अच्छी खासी भीड़ हो रही है, तो मैं आपको दिखा दूँ। अभी ना 10 दिन पहले ये गोभी बिल्कुल नहीं थी, और यहाँ पर अचानक ऐसा हुआ कि गोभी की बाढ़ सी आ गई है, काफ़ी ज़्यादा गोभी है। तो कुछ लगभग सभी एक जैसी दुकान यहाँ पर लगी हुई है, कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है दुकानों में हर तरह की। और जब मैं बता रहा था अभी कि गोभी कुछ टाइम पहले गोभी बहुत ही ज़्यादा कम थी, गोभी ना के बराबर थी, और अब गोभी की अचानक बाढ़ से ही आ गई है, काफ़ी ज़्यादा गोभी है। तो बस मैं ऐसे ही बाज़ार में भी घूम रहा हूँ, और कुछ नया होगा तब तो दिखाता हूँ। बाकी ये आप ये जो वीडियो है इसे एंजॉय करिए। ये मूली है, ये धना है, ये धनिया पत्ती आप लोगों ने खाई होगी, हरी धनिया बोलते हैं जिसे। तो ये हरी धना जब फर जाते हैं, इनके बीज हो जाते हैं, तो इसके ये भी बिकते हैं काफ़ी ज़्यादा। और जब ये सूख जाते हैं तो फिर इसका सब्जी में इस्तेमाल होता है, वो सबको पता है। और मैं बता रहा हूँ गोभी, तो ये जो आप देख रहे हैं बोर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गोभी का इन्होंने ढेर लगाया हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले गोभी बिल्कुल भी नहीं थी। बस ऐसे ही बाज़ार में घूम रहे हैं, क्योंकि ऐसा घूमने का मुझे मौका मिलता नहीं है। और जैसा कि अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी तो पता होगा मैं सब्ज़ी बेचता हूं, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी टाइम समय से मैंने सब्ज़ी की दुकान नहीं लगाई, क्योंकि घर पे कुछ काम लग रहा हुआ, घर पे काम चल रहा था, जिसके कारण मुझे टाइम नहीं मिला सब्ज़ी की दुकान लगाने की। और अभी किसी काम से मैं महाराजपुर आया हूँ, तो अभी मैं सब्ज़ी की दुकान नहीं लगा रहा हूँ। ऐसा कुछ नज़ारा है आप देख सकते हैं, और अच्छी खासी भीड़ है, क्योंकि यह मैंने बताया अभी त्यौहार का टाइम है।
यहाँ पर आप मिर्च ही मिर्च ले सकते हैं। मिर्च 10 रुपए की एक पाव मिल रही है 250 ग्राम। अभी कुछ टाइम पहले मिर्च काफी सस्ती हो चुकी थी, 5 रुपए पाव हो गई थी, और अब फिर से मिर्च महंगी हो गई है। ये बैगन है, और बैगन में क्या अचानक काफी ज्यादा महंगे हो गए। बैगन 40 रुपए किलो है, 20 के आधा किलो। अभी कुछ टाइम पहले बैगन बहुत सस्ते हुआ करते थे, लेकिन अचानक बैगन का भी दाम बढ़ गया है। और यहाँ पर आप देखें टमाटर बेच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग। इधर भी टमाटर की दुकान लगी हुई है, पूरा बाज़ार कुछ ऐसा ही है। तो मेरे क्या एक रिश्तेदार हैं यहाँ पर दुकान लगा हुए हैं, सब्ज़ी बेच रहे हैं, तो मैं कुछ टाइम के लिए उनके यहाँ बैठता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। पालक 10 की आधा किलो चल रही है, धनिया पत्ती का मुझे भाव नहीं पता, मिर्च 10 रुपये की पाव है, और गाजर का नहीं पता। क्या ये पालक टमाटर बता। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा यहाँ का नज़ारा है, और अच्छी खासी भीड़ हो रही है। तो बस भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नाम है जीके बुंदेली।